मैं क्या चाहता हूं, आजादी, छोटी कंघी से आजादी, बड़ी कंघी से आजादी, हेयर ब्रश से आजादी, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, आवाज ना आई आजादी। हम क्या चाहते आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे भुखमरी से आजादी, अरे पूंजीपति से आजादी, अरे जाति पात से आजादी, गरीबी से आजादी, तो भुखमरी से आजादी, सामंतवाद से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी। दोस्तों मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, नहीं इनफैक्ट समझ में आती है, लेकिन मैं डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो ये जो लोग आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने बहुत बलिदान दिया, बहुत काम किया, बहुत खून बहाया, तब जाकर हमको आजादी मिली। सिर्फ नारे लगाने से नहीं लेगी थी, उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो अब जो ये नारे लग रहे हैं, और मैं मे और से फर्क समझता हूं, तो अब ये जो बोलते हैं हम क्या चाहते आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे भुखमरी से आजादी, अरे पूंजीपति से आजादी, अरे जाति पात से आजादी, अरे वामपंथी, नहीं वामपंथी तो आजादी मांग रहे हैं, सॉरी सॉरी गलती हो गई। तो भाई अगर आपको ये ऐसी आजादी चाहिए, तो इस आजादी को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको भुखमरी से आजादी चाहिए तो आप उसके लिए काम करिए ताकि भुखमरी देश की हटे और लोगों को काम मिले। अगर आपको जाति पाति से आजादी चाहिए तो उसके लिए काम करिए। बहुत सारे लोगों ने काम किया था, लोगों में फैलाएं, ऐश मतलब पता लगे लोगों को। आप चाहते हैं कि नारे लगाने से सब कुछ हो जाए? नारे लगाने से क्यों होगा भाई? हर चीज को अगर आदमी यहीं घर बैठ के, आपको खाना तो नहीं मिलता ना ये बोल के कि मैं क्या चाहता हूं पिताजी आजादी, अरे पराठे से आजादी, अरे मुझको चाहिए इससे आजादी, मुझको चाहिए बिरयानी से आजादी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देश में जो 1947 से लेकर आज 2020 तक जो देश आया, उसके लिए लोगों ने काम किया है। आप भी काम करिए। ऐसे बैठकर 25-25 साल एक संस्थान में बैठकर आप चाहते हैं कि आजादी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहता हूं। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, हालांकि मेरी अपनी, मैं मजाक उड़ा रहा हूं, आप इसको देखो क्या कहते हैं, इसको टकला कहते हैं या इसको गंजा कहते हैं। मेरे बालों से मेरे सिर को आजादी है, लेकिन आजाद मैं नारे लगाना शुरू करूं, मैं क्या चाहता हूं आजादी, छोटी कंघी से आजादी, बड़ी कंघी से आजादी, हेयर ब्रश से आजादी, लंबे बालों से आजादी, छोटे बालों से आजादी, घुंघराले बालों से आजादी, तो भाई मैं बेवकूफ लगूंगा ना, क्योंकि मेरे पास तो आजादी ऑलरेडी है। अब किस चीज की आजादी मांग रहा हूं मैं, है ना? एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको। तो आपको अगर आजादी चाहिए तो उसके लिए काम करिए। तो ये शेयर करिए, शेयर करिए, सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करिए, आजादी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।